यश बनता होगी। तो सबसे पहले हम समता लिखेंगे, ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस ए बी ब्रैकेट में ए प्लस बी। बेटा आप लोगों का बेटा सवाल की बी प्लस वन का होल क्यूब निकालना है। तो यहाँ पर ए के स्थान पर बी है और बी के स्थान पर ए है, इनके मान रखना है। तो ए की जगह पर बी रखना है तो बी का होल क्यूब, और बी की जगह पर ए है तो ए का होल क्यूब प्लस तीन इंटू बी इंटू ए, और यहाँ पर आ जाएगा बी प्लस ए। तो बी का क्यूब हो जाएगा बी क्यूब, ए का क्यूब ए, ये हो जाएगा थ्री बी ब्रैकेट में बी प्लस ए। तो बी क्यूब प्लस ए, इसका इसके अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे तो प्लस हो जाएगा थ्री बी स्क्वायर, और थ्री बी का गुणा एक से करेंगे तो ये हो जाएगा थ्री बी। अब अगर हमको चाहे तो हम क्रम से लिख सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी घात है तीन, ये सबसे बड़ी संख्या तो ये हो जाएगा बी क्यूब, फिर उससे छोटी घात है दो, ये हो जाएगा थ्री बी स्क्वायर, फिर उससे छोटी घात है थ्री बी, और फिर उसके बाद ए, यानी कि ये हमारे जो उत्पाद है ये हमने आप भी क्रम में लिख दी। जितनी घात बड़ी होगी उतनी ही संख्या बड़ी होगी, और इसके बाद जितनी घात छोटी होगी आएगी संख्या छोटी हो जाएगी, तो इसको हम क्रम से लिख सकते हैं। वैसे सवाल का आंसर हम यहाँ पर भी दे सकते थे, लेकिन अगर पूर्ण सवाल लगाना है तो आपको उसका कार्य करना होगा। इसी प्रकार से अगर सेकेंड नंबर को सॉल्व करना है, चाहे तो पहले संकाय लिख रहे हैं, ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी ब्रैकेट में ए प्लस बी। अब आपको दूसरा नंबर दिया गया था कि सी प्लस तीन का होल क्यूब, तो सी प्लस तीन का होल क्यूब बराबर ए के स्थान पर सी है और बी के स्थान पर तीन है, तो यहाँ पर हो जाएगा सी का होल क्यूब प्लस तीन का होल क्यूब प्लस तीन इंटू सी इंटू तीन, और ब्रैकेट में आ जाएगा सी प्लस तीन। तो ये सी का होल क्यूब सी क्यूब हो जाएगा, तीन त्रिका नौ की सत्ताईस आ जाएगा, तीन त्रिका नौ नौ सी आ जाएगा यहाँ पर, और ब्रैकेट में सी प्लस तीन। अब इसका ब्रैकेट के अंदर हम गुणा कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा सी क्यूब प्लस सत्ताईस प्लस नौ एकम नौ सी का प्लस सी से करेंगे तो सी स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस नौ किया सत्ताईस सी। अब यहाँ पर हमको क्रम से लिख देंगे सी क्यू प्लस नौ सी स्क्वायर प्लस सत्ताईस सी प्लस के सत्ताईस, ये हमने इसका विस्तार कर दिया। फिर इसके बाद इसी प्रकार से हमें तीसरा नंबर है, तीसरा नंबर आपको निकाला जो तीसरे नंबर के पहले हम सरसमता लिख लेते हैं, तो तीसरे नंबर की जो सरसमता लिखेंगे वो ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस थ्री ए बी ए प्लस बी। अब जैसे आपका तीसरा सवाल दिया गया है दो एक्स प्लस तीन का होल क्यूब, तो दो एक्स प्लस तीन का होल क्यूब बराबर ये हो जाएगा दो एक्स का होल क्यूब प्लस तीन का होल क्यूब प्लस तीन इंटू दो एक्स इंटू तीन, और ब्रैकेट में आ जाएगा दो एक्स प्लस तीन। तो दो दूनी चार दूनी आठ एक्स का क्यूब प्लस तीन त्रिका नौ किया सत्ताईस, तीन दूनी छः छः त्रिका अठारह एक्स, और ब्रैकेट में है टू एक्स प्लस थ्री, आठ एक्स क्यूब प्लस सत्ताईस प्लस अठारह दूनी छत्तीस एक्स स्क्वायर, अठारह त्रिका चौवन है। इनको क्रम से लिख देते हैं, आठ एक्स क्यूब प्लस छत्तीस एक्स स्क्वायर प्लस चौवन एक्स प्लस सत्ताईस। तो हमें इस तरीके से इन सवालों का विस्तार करना है ए प्लस बी का होल क्यूब की सहायता से, इनके विस्तार करना है। इसके बाद सवाल नंबर आपका चौथा शुरू होता है, चौथा नंबर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई का होल क्यूब, तो ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी
इसके बाद सेकंड नंबर है, यहाँ पर भी निम्नलिखित का प्रसार करना है, a upon 2 plus b upon 5 का होल क्यूब, और अगला सवाल है 3y plus 1 upon 4y का होल क्यूब। यहाँ पर दो सवाल है दूसरे में, तो यहाँ पर भी a plus b का होल क्यूब की समतल लेते हैं, a plus b का होल क्यूब बराबर a क्यूब plus b क्यूब plus 3ab ब्रैकेट में a plus b। तो यहाँ पर आ जाएगा a upon 2 प्लस बी अपॉन फाइव का होल क्यूब बराबर, अब ए के स्थान पर ए अपॉन टू है, बी के स्थान पर बी अपॉन फाइव है, तो ए अपॉन टू का होल क्यूब प्लस बी अपॉन फाइव का होल क्यूब प्लस थ्री इंटू ए अपॉन टू इंटू बी अपॉन फाइव, अब ब्रेकिंग में आ जाएगा ए अपॉन टू प्लस बी अपॉन फाइव। तो यहाँ पर ए का क्यूब ए क्यूब हो जाएगा, ऊपर क्यूब आर हो जाएगा, तो ए क्यूब बटे आर प्लस बी क्यूब बटे 125 प्लस यहाँ पर कुछ कर भी रहा है, ये हो जाएगा ऊपर 3ab बटे हो जाएंगे 10 और ब्रैकेट में ए अब बटे 2 प्लस बी बटे 5, तो आपका आ जाएगा ए क्यूब बटे आर प्लस बी क्यूब बटे 125। इसके अंदर इसका मल्टीप्लाई करा देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3a² b बटे 10 में 20 और प्लस 3ab² बटे 50। अब जैसे कि यहाँ पर क्यों देखा जाए कि यहाँ पर भी क्यू है, यहाँ पर भी क्यू है, दो और तीन है, यहाँ पर भी एक और दो तीन है, तो इनको हमें जैसा लिखा वैसे लिखा रहेगा विस्तार से, बस इसका आंसर आ जाएगा। सेकेंड नंबर जो है वो भी आपकी सत्ता लग रही है, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, पी हो जाएगा 3y प्लस 1 अपॉन 4y का होल क्यूब बराबर 3y का होल क्यूब प्लस 1 अपॉन 4y का होल क्यूब प्लस 3 इंटू 3y इंटू 1/4y और ब्रैकेट में 3y प्लस 1/4y। तो यहाँ पर हो जाएगा 3×9=27y प्लस 1/64y प्लस, जैसे यहाँ पर y से y को कैंसिल कर सकते हैं, तो 3×9/4 और 3y प्लस 1/4, इसका इसके अंदर मल्टीप्लाई करा देना है केवल, तो 27y³ प्लस 1/64y³ प्लस 3×9=27/4y और प्लस यहाँ पर आ जाएगा 9×9=16। तो ये पहले दूसरे सवाल में आपको विस्तार करना था, तो यहाँ पर प्रसार के रूप में हमने लिख दिया। तीसरा सवाल है कि निम्नांकित का मान सर्वसंख्या a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी की सहायता से ज्ञात करना है। जैसे कि पहला नंबर दिया गया है 31 का क्यूब, यहाँ पर 31 का क्यूब डायरेक्ट 31 इंटू 31 नहीं करना है, यहाँ पर सर्वसंख्या की सहायता से 31 के क्यूब को तोड़ रहा है। दूसरा नंबर है 102 का क्यूब और तीसरा नंबर है 201 का क्यूब। तो सबसे पहले हम पहला सवाल लेते हैं, इसको ऐसे दो भागों में बांटना है जिसको हमें गुणा करने में बड़ी आसानी रहे। तो जैसे कि पहला नंबर लिया 31 का होल क्यूब बराबर 30 प्लस 1 का होल क्यूब, क्योंकि 30 के हमें घर करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे 3 का कर लेंगे 0 का तो 0 बढ़ता जाएगा, तो 30 प्लस 1 बराबर 31 हो जाएगा, 3 बन जाएगा 1 प्लस 3 का होल क्यूब। तो फार्मूला लगाएंगे पहले a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, तो ये हो जाएगा 30 प्लस 1 का होल क्यूब बराबर 30 का होल क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू 30 इंटू 1 और ब्रैकेट में आ जाएगा 30 प्लस 1, तो 30 का होल क्यूब हो जाएगा 27,000, क्योंकि 3×9=27 तो 3 बार 0 तो 3 0 बढ़ जाएगी, 27,000 हो जाएगा।
90 और ब्रैकेट में आया जाएगा 30 प्लस 1। जैसे पहले आप गुणा करते थे वैसे 90 का इसके अंदर गुणा करा देंगे तो 27,000 प्लस 1 9 किया 2700 प्लस 90 एकम 90 इनको सबको जोड़ लेंगे 27,000 2000 29,000 हो जाएंगे 29,793। तो इसका टोटल हो जाएगा 29,793। अगर आप डायरेक्ट नहीं कर पाते तो इनको अलग अलग करके लिख सकते हैं। पहले जैसे हमें 27,000 लिख दिया, फिर हम 2700 लिख लेंगे, फिर हम 90 लिख लेंगे, फिर 1 लिख लेंगे 1 9 7 9 2 29,791 इसका टोटल आ। इसी प्रकार से हमें सेकेंड नंबर को करना है। सेकेंड नंबर दिया गया है 102 का मोल की, तो ये हो जाएगा 100 प्लस 2 का मोल की, क्योंकि 100 प्लस 2 बराबर 102 हो जाएगा। हाथ में लगा देंगे a प्लस b का मोल की बराबर a क्यू प्लस b क्यू प्लस 3ab, ब्रैकेट में आ जाएगा a प्लस b। तो यहाँ पर आ जाएगा 100 प्लस 2 का मोल की बराबर 100 का मोल क्यू प्लस 2 का मोल क्यू प्लस 3 इंटू 100 इंटू 2 और ब्रैकेट में आ जाएगा 100 प्लस 2। तो 100 का क्यू एक लीटर के तीन बार दो दो किलो बढ़ा दिए तो 6 किलो हो जाएगी, यानी आ जाएगा 21,000 करना 1,000 10,000 10,000 हो गए प्लस 2 का क्यू 8 हो जाएगा, 3×6,600 हो जाएंगे और ब्रैकेट में आ जाएगा 100 प्लस 2 ये आपका 10,000 प्लस 8 इसका गुणा कर देंगे 6×6 चार जीरो ये हो जाएंगे 60,000 प्लस 6×5 तो 10,60,61,000 10,61,000 या हम इनको पहले जीरो जीरो करके देख सकते हैं। लास्ट में आपका 8 आ रहा है, फिर दूसरा जीरो का है, फिर आपका 2 है, फिर 1 है, फिर 6 है। अब ये आपको होगा 1 2 3 4 5 यहाँ पर 5 जीरो निकल जाएंगे, बचेगा 1 0 1 10,61,208। इसके बाद अंतिम सवाल आपका इस तरीके से दे रखा है, जैसे कि तीसरा नंबर है दिया है 201 का मोल क्यू, ये हो जाएगा 200 प्लस 1 का मोल क्यू। सब समता लिखेंगे a प्लस b का मोल क्यू बराबर a क्यू प्लस b क्यू प्लस 3ab, ब्रैकेट में आ जाएगा a प्लस b। इसके बाद लिखेंगे 200 प्लस 1 का होल क्यूब बराबर 200 का होल क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब प्लस 3×200×a और आपका ब्रैकेट में आ जाएगा 200 प्लस 1। तो 2×4×8 6×0 4×5×6 1×3×1 3×6×600 और ब्रैकेट में 200 प्लस 1 यहाँ पर आ जाएगा 80,000 प्लस 1 6×12 4×0 120,000 हो गए और प्लस 600 एकम 600। अब इनको अगर हम चाहें तो टोटल कर सकते हैं, 8 लीटर में हमें 6 किलो है, फिर इसके बाद हमारे पास है 4×0 12, फिर इसके बाद है 600 और 1, इनका टोटल करेंगे तो 1,06,02,18 8,81,00,000 60,01,00,000 ये हमारा इसका टोटल आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम सरसंख्या की सहायता से इन तीन सवालों के हमें मान निकाल लेंगे। इसका नेक्स्ट सवाल है आपका चौथा, एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब का मान क्या?
तो दोनों पक्षों में क्या करेंगे, तो x प्लस एक बटे x का होल क्यूब बराबर हो जाएगा 10 बटे 3 का होल क्यूब। अब ये आपका फार्मूला बन गया है a प्लस b का होल क्यूब। तो a प्लस b का होल क्यूब बराबर a का क्यूब माने x का होल क्यूब हो जाएगा, प्लस b का क्यूब एक बटे x का होल क्यूब हो जाएगा, प्लस 3ab, तो x इंटू एक बटे x और ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस एक बटे x। ये हमने पूरा आपका सब समझा कर रख दिया, a प्लस b का होल क्यूब का कर दिया, बराबर हो जाएगा 10 का क्यूब 1000 और 3 का क्यूब 27। जैसे यहाँ पर x और x कैंसिल हो रहे हैं तो x x कैंसिल कर देंगे, x क्यूब प्लस एक बटे x क्यूब प्लस 3, और इसकी जगह पर मान जो रखेंगे वो आ जाएगा 10 बटे 3 बराबर 1000 बटे 27। ये 3 से 3 कट जाएगा, ये 10 जो है प्लस के है, उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो x क्यूब प्लस 1 बटे x क्यूब बराबर आ जाएगा 1000 बटे 27 माइनस 10 बटे 1। तो x क्यूब प्लस 1 बटे x क्यूब बराबर 27 एलसीएम आ जाएगा, ये हो जाएगा 1000 माइनस 270, 270 घटा देंगे तो x क्यूब प्लस 1 बटे x क्यूब बराबर 730 बटे 27। ये हमने x क्यूब प्लस 1 बटे x क्यूब का मान निकाल दिया। इसी प्रकार से सवाल नंबर 5वां है, 5वें में मान दिया गया है कि 2x प्लस 1 अपॉन 2x का मान दे रखा है, 8x क्यूब प्लस 1 बटे 8x क्यूब का हमें मान ज्ञात करना है, तो जिसका मान दिया गया उसी को हम लें, 2x प्लस 1 अपॉन 2x बराबर 5 बटे 2 के दोनों पक्षों में घन करने पर, इसी दोनों पक्षों में जब घन करेंगे तो 2x प्लस 1 बटे 2x का होल क्यूब बराबर हो जाएगा 5 बटे 2 का होल क्यूब। जैसे अभी सवाल को आपने तोड़ा था कि a प्लस b का होल क्यूब, इसी प्रकार इसको तोड़ना है, यहाँ पर हो जाएगा 2x का होल क्यूब प्लस 1 बटे 2x का होल क्यूब प्लस 3 इंटू 2x इंटू 1 बटे 2x और ब्रैकेट में आ जाएगा 2x प्लस 1 बटे 2x। बच्चों 125 बटे हो जाएगा 8, यहाँ पर 2x 2x कैंसिल हो गए, यह आ जाएगा 8x क्यूब प्लस 1 बटे 8x क्यूब प्लस 3, और इसकी जगह पे मान रख देंगे 5 बटे 2 बराबर 125 बटे 8। तो 8x क्यूब प्लस 1 बटे 8x क्यूब बराबर 125 बटे 8, ये हो जाएगा 15 बटे 2 हो जाएगा, उस पर ले आएंगे तो माइनस के 15 बटे 2 हो जाएगा। तो 8x क्यूब प्लस 1 बटे 8x क्यूब बराबर 8 एलसीएम आ जाएगा, तो 125 और 2 का भाग आप लेंगे 4 बार 15 चौक 60, तो यहाँ पर आ जाएगा 8x क्यूब प्लस 1 बटे 8x क्यूब बराबर 125 में 60 घटा देंगे तो हो जाएगा 65 बटे 8। ये मान हमने लिया। नंबर यदि a प्लस b का a प्लस b बराबर 3 और a b बराबर 2, तो a क्यूब प्लस b क्यूब का हमें मान ज्ञात करना है, तो यहाँ पर भी सेम सवाल चौथे और पांचवें के तरीके से करना है। a प्लस b का मान दे रखा है, यहाँ पर ले लेंगे a प्लस b बराबर 3, इसके दोनों पक्षों में घन कर देंगे, दोनों पक्षों में घन करने पर दोनों पक्षों में घन करेंगे तो a प्लस b का होल क्यूब बराबर हो जाएगा 3 का होल क्यूब, तो a का क्यूब माने a क्यूब हो जाएगा, b का क्यूब b क्यूब हो जाएगा, 3ab ब्रैकेट में a प्लस b बराबर 27, इन का नॉर्मल 27। अब यहाँ पर जो जिसका मान दिया गया मान रख देंगे, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3, ए बी का मान दिया है 2 और a प्लस b का मान दिया है 3 बराबर 27, तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 का 9 की 18 बराबर 27, तो a क्यूब प्लस b क्यूब बराबर 27 माइनस 18, तो a क्यूब प्लस b क्यूब बराबर हो जाएगा 9।
इसी प्रकार से सातवां सवाल, इसमें भी दो और तीन है, इसमें दो वाई बराबर बीस का मान दे रखा है, तो इसको नोट कर लेंगे, तीन एक्स प्लस दो वाई बराबर बीस के दोनों पक्षों में हल करने पर, इसके दोनों पक्षों में हल करेंगे, तीन एक्स प्लस दो वाई का होल क्यूब बराबर बीस का होल क्यूब, ये हो जाएगा तीन एक्स का होल क्यूब प्लस दो वाई का होल क्यूब प्लस तीन इंटू तीन एक्स इंटू दो वाई, और ब्रैकेट में आ जाएगा तीन एक्स प्लस दो वाई बराबर आ जाएगा बीस का क्यूब जो है वो आठ हजार आ जाएगा। अब हमें मान रखना है यहाँ पर हो जाएगा सत्ताईस एक्स क्यूब प्लस आठ वाई क्यूब, तीन प्रकार नौ, नौ दूनी अठारह एक्स वाई, ब्रैकेट में तीन एक्स प्लस दो वाई बराबर आठ हजार, तो सत्ताईस एक्स क्यूब प्लस आठ वाई क्यूब प्लस अठारह इंटू एक्स वाई की जगह पे आ जाएगा चौदह बटे नौ, और इसकी जगह पे हो जाएगा बीस बराबर आठ हजार, नौ दूनी अठारह चौदह दूनी अट्ठाईस, अट्ठाईस दूनी छप्पन यानी पाँच सौ साठ हो जाएंगे, सत्ताईस एक्स क्यूब प्लस आठ वाई क्यूब प्लस पाँच सौ साठ बराबर आठ हजार, पाँच सौ साठ उत्तर में जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे, सत्ताईस एक्स क्यूब प्लस आठ वाई क्यूब बराबर आठ हजार माइनस पाँच सौ साठ, तो सत्ताईस एक्स क्यूब प्लस आठ वाई क्यूब बराबर आठ हजार से पाँच सौ साठ घटा देंगे जीरो, दस में से छः आएंगे चार, यहाँ पर बचेंगे नौ, नौ में से पाँच जाएगा तो चार बचेगा, यहाँ पर सात, सात हजार चार सौ चालीस, ये आपका सत्ताईस एक्स क्यूब प्लस आठ वाई क्यूब का मान है। इसके बाद अंतिम सवाल है एक्सरसाइज का आठवां, इसमें दर्शाना है कि 125 प्लस एक्स क्यूब बराबर 5 प्लस एक्स का होल क्यूब माइनस 15 एक्स 5 प्लस एक्स, क्या ये दोनों पक्ष बराबर है या नहीं, ये आपको दर्शा के दिखाना है। तो सबसे पहले हम सवाल नंबर पहला ले रहे हैं, जैसे कि लिखा है कि 125 प्लस एक्स क्यूब बराबर 5 प्लस एक्स का होल क्यूब माइनस के 15 एक्स 5 प्लस एक्स। अब सबसे पहले आपने पूरी सोसाइटी में एक ही बात का पढ़ा है a प्लस बी का होल क्यूब, तो हम इस पक्ष को छोड़ दे रहे हैं और इस पक्ष को नहीं ले रहे हैं, तो इस पक्ष में ले लीजिए 5 प्लस एक्स का होल क्यूब माइनस 15 एक्स, और यहाँ पर आ जाएगा 5 प्लस एक्स, हम इस पक्ष को हल कर रहे हैं क्योंकि यही फार्मूला बराबर पढ़ के आ रहा है, तो यहाँ पर आप सबसे पहले इसका फार्मूला लगा देंगे a प्लस बी का होल क्यूब का, ये हो जाएगा 5 का होल क्यूब प्लस एक्स का होल क्यूब प्लस 3 इंटू 5 इंटू एक्स, और ब्रैकेट में हो जाएगा 5 प्लस एक्स माइनस आपने ही लिखा हुआ था 15 एक्स और 5 प्लस एक्स, तो 5 का क्यूब 125, एक्स का क्यूब एक्स क्यूब प्लस 3 पर 15 एक्स, और ये हो जाएगा 5 प्लस एक्स माइनस 15 एक्स 5 प्लस एक्स। अब देखिए ये संख्या माइनस की और ये संख्या प्लस की है, प्लस और माइनस की कैंसिल हो जाएगी, अब आपका आ जाएगा 125 प्लस एक्स क्यूब, तो ये आपने दर्शा दिया इस पक्ष को हल किया और ये पक्ष आपने दिखा दिया। ठीक इसी प्रकार से हम सेकेंड सवाल में हल करेंगे, सेकेंड सवाल का ये वाला पक्ष ले लेंगे, जैसे दिया है आर ए क्यू प्लस 27 बी क्यू बराबर 2 ए प्लस 3 बी का होल क्यूब माइनस 18 ए बी ब्रैकेट में 2 ए प्लस 3 बी, उसमें ये वाला पक्ष लेकर के तोड़ लेंगे 2 ए प्लस 3 बी का होल क्यूब माइनस 18 ए बी, यह आ जाएगा 2 ए प्लस 3 बी, ये हो जाएगा 2 ए का होल क्यूब प्लस 3 बी का होल क्यूब माइनस प्लस 3 इंटू 2 ए प्लस इंटू 3 बी, और ब्रैकेट में 2 ए प्लस 3 बी, और माइनस से आते हैं 18 ए की 2 ए प्लस 3 बी, अब इनका गुणा कर
वैल्यू में 2a प्लस bb और यहाँ पर है माइनस के 18ab 2a प्लस के 3b, ये कैंसिल कर देंगे, ये कैंसिल कर देंगे, 3 आ जाएगा।